गर्मियां हैं और गर्मियों में आम का शरबत सभी को बहुत पसंद आता है, तो आज हम बनाएंगे मैंगो मोहितो। और 4 मिनट से भी कम समय में हम आपको 3 मेथड दिखाएंगे, कन्वेंशनल मेथड और बहुत ही सिंप्लीफाइड मेथड, और तीसरा है अगर आपको बड़ी पार्टी करनी हो, 25-30 लोग भी आ जाएं, 30 से भी ज़्यादा आ जाए, तो आप कैसे करेंगे, क्या माइनर चेंजेस करेंगे कि आप उतने लोगों को एक साथ ड्रिंक सर्व कर सकें। तो शुरू करते हैं पहला मेथड, कन्वेंशनल मेथड। तो हमने नींबू लिया जो कि नॉर्मल है, हर मैंगो हर मोहितो में हम ऐसा करते हैं, और नींबू का हमने लेकिन बीज जरूर निकाल दीजिए, और बीज निकालने के बाद उसमें डालिए पुदीना पत्ता, और फिर लीजिए आम, और आम को हमें पील करना है, लेकिन ध्यान रहे कि आम को यूज़ करने के पहले पानी में डुबोकर कुछ समय के लिए छोड़ दें, इससे आम की जितनी भी गर्मी होती है वो निकल जाती है। और आम को पूरा अच्छी तरह छील लें, और आम को छीलने के बाद अब हम इसके गुदे को निकाल लेंगे, तो गुठली से अच्छी तरह निकाल लीजिए, बिकॉज इन एनी केस वी हैव टू मडल इट। तो हमने पल्प डाला, और साथ में हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़े से जो मैंगो हैं उन्हें एकदम छोटे छोटे क्यूबिकल शेप्स में काट लेंगे। और अब चलिए इसे हम मडल कर देते हैं कि तीनों फ्लेवर मिलकर एक हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कैसी होनी चाहिए, और बस इसे ग्लास में डालिए, और अब डालिए आप आइस, और आइस के ऊपर हमने डाला है लिमका। लिमके में अपनी भी मिठास होती है, इसीलिए हमने मैंगो में जरा भी चीनी नहीं ऐड की है, और मैंगो बहुत मीठा भी है इसलिए भी ऐड नहीं की है। इसलिए चीनी डालने के पहले आप एक बार मैंगो को जरूर टेस्ट कर लें कि आपको चीनी, और ऊपर से डाला हमने थोड़े से आम, और गार्निश कर दिया पुदीना पत्ता से। तो ये है बहुत ही कन्वेंशनल मेथड जिसमें हमेशा हम मोहितो बनाते हैं। अब हम जाते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड रेसिपी पे। तो आम तो हमें लेना ही है क्योंकि मैंगो का है ये मोहितो, और इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। पीसते समय ख्याल रखना है कि इसे ज़्यादा महीन नहीं करना है, इसे इतना ही महीन करना है कि मडल वाला इफेक्ट आ जाए। देखिए कैसा बना रहे, और उसके बाद हम इसमें पुदीना डालेंगे जिससे पुदीना भी ज़्यादा नहीं पीसे। ये देखिए मैंगो हो गया और पुदीना हो गया, वही इफेक्ट है ना जो कि हमें मडल करके मिला था। और बस इसे डालिए, इसमें आइस डालिए। मिक्सी में चलाते समय नींबू नहीं डालना, अगर आप नींबू डालेंगे तो पूरा ड्रिंक कड़वा हो, इसलिए नींबू हम लास्ट में डालेंगे। और अब नींबू डालिए अपने पसंद के हिसाब से, और उसके उसी ग्लास में छोड़ दीजिए। और अब हमने डाला है इसमें लिमका। एग्जैक्टली सेम इफेक्ट आएगा, लेकिन आपकी मेहनत बहुत कम लगेगी। एंड गार्निश विद द मैंगो पीसेस एंड पुदीना पत्ता। जब कभी कभी क्या हमारे यहाँ बड़ी पार्टी है तो इतना टाइम भी नहीं रहता है कि हम इंडिविजुअल 4-4, 5-5 ग्लासेस बना सकें, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ, 25-30 ग्लास नहीं, देखिए सिंपलर मेथड वाले प्रोसेस से ही बना के बड़ी क्वांटिटी में डीप फ्रीजर में रख देती हूँ। इसमें आराम से 30 ग्लासेस बन जाएंगे, और जैसे जैसे लोग आते जाते हैं मैं इसे चम्मच से ग्लास में डालती जाती हूँ। और आइस कुटा हुआ अलग से रहता ही है फ्रिज में, आइस डालिए और ऊपर से डाल दीजिए लिमका, और गार्निशिंग 2 मिनट में कर दीजिए। एकदम फ्रेश ड्रिंक बनता है, फटाफट बनता है, आप जितनी भी बड़ी पार्टी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू कॉमेंट। थैंक यू।